आज मैं सर्वाइव करने वाला हूँ पूरे 50 दिन ही सर्वाइवल आइलैंड पे, वो भी इन सब खतरों के साथ। इसमें हमारे मेन गोल होंगे अपने लिए घर बनाना और एक फुली डायमंड आर्मर बनाना। डे वन पे मैंने इस पेड़ को काटा क्योंकि करने के लिए मेरे पास और कोई काम भी नहीं था, तो फिर मैंने उसके प्लैंक्स बनाकर उससे क्राफ्टिंग टेल बनाई और उसमें से स्टिक्स बनाकर एक वुडन की पिकैक्स बनाई, क्योंकि मैं माइनिंग करके पूरे टूल्स अपने स्टोन के बनाना चाहता था। तो तभी सैपलिंग गिर गई तो मैंने उसे लगाया। उसके बाद मैं मजदूरी करने मतलब माइनिंग करने चला गया, और यहाँ पर स्टेयर्स वाली माइनिंग तो हो नहीं सकती थी क्योंकि आगे सैंड था, तो इसलिए मैंने पूरी स्ट्रेट माइनिंग करी और आगे मैंने कोल माइन किया बहुत सारा और बहुत सारे स्टोन भी माइन किए, जिससे कि मैं अपने सारे टूल बना सकूँ और कोल से थोड़ी बहुत टॉर्च बना के और माइनिंग कर सकूँ। और फिर मैं ऊपर आया और ऊपर आके मैंने सबसे पहले सैपलिंग और अंडे उठाए और फिर अंडों को फोड़ा तो उनमें से कुछ भी नहीं निकला क्योंकि मेरी ज़िंदगी ही झंड है। फिर मैंने सैपलिंग को प्लांट किया और फिर अपने लिए मैंने सभी टूल्स को स्टोन के बनाया। उसके बाद मैं हो लेकर सीड्स को माइन करने चला गया और फिर हमारी किस्मत तो आसमान छूती है, इसलिए हमें सीड तो नहीं मिले। अभी देखते हैं, वो भी एक आधा और बचा इसमें। ओ भाई ये चलो एक तो मिल गया, तो हमारी किस्मत तो बहुत अच्छी है क्योंकि हमें एक सीड मिल गया। तो अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा, इसको ही 6-7 लाख में बदलना पड़ेगा। तो ये था हमारे इसका वीट का जुगाड़ हो गया था ब्रेड का खाने के लिए, तो अभी हमें खाने की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो अभी जल्दी से इस सीड को यहाँ पर प्लांट करते हैं, और इसको प्लांट कर दिया है तो अभी हम अपना पुश्तानी काम करना चलते हैं, मजदूरी नहीं माइनिंग। तो अभी जल्दी से माइनिंग करते हैं, और यहाँ पर क्रीपर ने हमारा स्वागत किया, फिर हमने फिर से माइनिंग की, फिर बहुत देर तक नीचे जाने के बाद कॉपर मिला उसको माइन किया, फिर हमने माइनिंग की जो आप बिल्कुल सही सोच रहे थे, फिर उसके बाद हमको गोल्ड मिला और मेरा दिमाग तो बहुत तेज है, मैंने उसको स्टोन की पिकैक्स से माइन कर दिया तो हमको तो 1 लाख गोल्ड मिल गया। तो फिर मैं आगे गया तो मुझे आयरन मिला तो मैंने उसको माइन किया और यहाँ पर थोड़ा ठीक ठाक आयरन मिल गया था हमें। उसके बाद हमें आगे गए तो आगे हमें कोल मिल गया, तो हमने कोल को माइन किया और यहाँ पर कोल तो बहुत सारा था जिससे हम 6 गांव में रोशनी कर सकते थे टॉर्च लगा। कोल के बाद हमें फिर से आयरन मिला तो हमने उसको भी लपेट दिया, और वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर दो। तो फिर हम थोड़ी देर आगे गए तो हमें अपनी ज़िंदगी नहीं इस वर्ल्ड का पहला डायमंड मिला, और हमने आयरन की पिकैक्स बनाई और स्टोन की पिकैक्स से उसके पास में खोदा ताकि हमें उसके आसपास के डायमंड मिले, परंतु वह एक ही डायमंड था क्योंकि हमारी किस्मत तो आसमान छूती है। तो फिर हमने और आगे माइनिंग की तो आगे हमारी किस्मत ने सच में आसमान छू दिए थे क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे डायमंड थे, और यह देखकर मैं बहुत खुश हो गया था। तो मैंने सभी डायमंड को माइन किया और अभी इस वर्ल्ड के अपनी पिकैक्स बनाने के लिए हमारे पास इनफ डायमंड हो चुके थे, तभी मुझे और डायमंड दिखाई दिए, मैंने उनको ही माइन कर लिया और आज की माइनिंग समाप्त। यहाँ पर दो सेब भी स्पॉन हो गई। तो अभी मेरे पीछे क्रीपर लग गया और मैं टावर बनाकर ऊपर आ गया और इसके जाने का इंतजार करने लगा, पर ये नहीं गया तो मैं इसके ऊपर कूद कर इसको मारा, पर फिर भी ये फट गया और मैं रात में नीचे आ गया ज़मीन के अंदर। दिन होने के बाद वापस बाहर आ गया और फिर देखने गया क्रीपर ने कितना ज़्यादा ब्लास्ट किया है, तो यहाँ पर ब्लास्ट तो बहुत ज़्यादा कर रखा था पर ब्लॉक मुझे बस 10-11 ही मिले, और मेरे हार्ट भी बहुत ज़्यादा कम थे और हंगर बार भी बिल्कुल खाली था, इसलिए मैंने रोटन फ्लैश खाकर ही अपना काम चलाया क्योंकि अभी हीट नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने अपने लिए डायमंड की चेस्ट प्लेट बना ली और अपने लिए बूट्स वगैरह बनाने के लिए अभी माइनिंग पर जाना था, पर उससे पहले मैंने अपने लिए घर बनाने की सोची, पर उससे भी पहले मैंने क्रीपर के किए हुए नाश को वापस से ढक दिया और वहाँ पर टॉर्च भी लगा दी ताकि उसके अंदर ज़ॉम्बीज वगैरह स्पॉन ना हो सकें। मेरी इस वर्ल्ड में पहली डेथ हो गई है, वो एक मकड़ी के कारण हुई है, तो मैं उस मकड़ी को मारता हूँ और अपना बदला पूरा करता हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ा वूल कलेक्ट किया, उसके बाद मैंने बहुत सारे पेड़ काटे क्योंकि मैंने अपने लिए घर भी बनाना था, तो उसके लिए वुड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और स्टोन तो मैं नीचे माइन से लेकर आ सकता था पर वुड को उगने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा था, इसलिए यहाँ पर अभी वुड काटते 17 हो गया था।
और उसके बाद मेरे पास इनफ वुल हो जाने के बाद मैंने अपने लिए एक बेड बनाया, और ये पहली रात थी जिसमें हम सोए थे इस वर्ल्ड में। तो उसके बाद मैं रात को सो गया चैन की नींद लेकर, वरना जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। और अभी डे 18 आ गया था, तो उसके बाद मैंने सैपलिंग वगैरह कलेक्ट की, और तभी एक ट्राइडेंट वाला ज़ॉम्बी मेरे को दिखा, तो मैं उसको मारने के लिए चला गया और उसको कुत्ते की मौत मार दिया। और फिर मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मेरे को ट्राइडेंट नहीं मिला। मैंने इन्वेंट्री में भी चेक किया पर वहाँ पर भी नहीं था, तो फिर मैं अपने काम पर लग गया। फिर मैंने सीप से वूल कलेक्ट किया, पता नहीं मैं इसका क्या करना चाहता था, मेरे पास बेड तो पहले से ही था। उसके बाद मैंने अपने घर बनाने के लिए एक ब्रिज बनाया और फिर उसको डबल किया, क्योंकि सिंगल पे तो हम कभी भी गिर सकते हैं और पानी में गिरने के बाद हमें बहुत ज़्यादा खतरा है, एक तो ड्राउन का और ऊपर से पानी में हम सांस भी नहीं ले सकते। ब्रिज बन जाने के बाद मैंने अपने घर के लिए प्लेटफॉर्म बनाना शुरू किया, और मैं इसको जल्दी जल्दी बना रहा था क्योंकि अभी रात भी होने वाली थी और हमें अपना घर भी जल्दी से बनाना था। उसके बाद मैंने बहुत सारी लकड़ी कलेक्ट की क्योंकि घर के लिए बहुत ज़्यादा लकड़ी लगती हैं, और मैं वुडन हाउस ही बनाने वाला था क्योंकि हमारे पास आयरन की कमी थी और मैं स्टोन नहीं ला सकता था नीचे से, इसलिए मैंने ट्री को काटना ही सही समझा और वुडन हाउस बनाना ही सही समझा। फिर मैंने कुछ सैंड कलेक्ट की क्योंकि मैं अपने घर में कांच भी लगाना चाहता था, इसलिए सैंड कलेक्ट करके मैं उसको फर्नेस में डाल देता हूँ ताकि उसका ग्लास बन सके और उससे अपना घर बहुत अच्छा दिखेगा और हमें समुंदर का भी दिखाई देगा। उसके बाद मैं वुड लेकर अपने घर को बनाने के लिए चला जा, कुछ काट पीट कर हमारा घर बनकर तैयार हो गया था। तो चलिए आपको उसकी झलक दिखाते हैं। तो ऐसा हमारा कुछ घर बनकर तैयार हो गया था, ये बिल्कुल नॉर्मल घर है क्योंकि हमारे लिए बनाने के लिए बहुत कम समय था। तो फिर मैं माइनिंग के लिए चला गया क्योंकि हमें अपना डायमंड आर्बर भी कंप्लीट करना था, उसके बाद हमारा चैलेंज कंप्लीट हो जाता था। फिर मैंने कुछ कॉपर माइन किया, बहुत सारा कॉपर यहाँ पर था तो मैंने सारे को माइन कर लिया। उसके बाद मैंने कुछ कोल माइन किया, कोल यहाँ पर बहुत सारा था, ढेरों सारा कोल था। उसके बाद मैं आगे गया तो मुझे डायमंड मिले और यहाँ पर बहुत सारे डायमंड थे, पूरा आर्मर बन जाए इतने डायमंड थे यहाँ पर। तो मैंने सभी को कलेक्ट किया, फिर उसके बाद देखा था डायमंड दबा ना रह जाए इसलिए मैंने वहाँ पर टॉर्च लगाकर कुछ ब्लॉक माइन कर देखे, तभी एक डायमंड वहाँ पर मिला। उसके बाद मैं ऊपर आया और ऊपर आकर मैंने अपना आर्मर कंप्लीट किया और मेरे पास टोटल 26 डायमंड थे। तो मैंने उससे अपनी लेगिंग्स, बूट्स और हेलमेट बनाया और सभी डायमंड के टूल भी बनाए, जैसे पिकैक्स, स्वॉर्ड, एक्स और शोवल भी बना लिया। और इसी के साथ हमारे दोनों चैलेंज कंप्लीट होते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, इसका सेकंड पार्ट चाहते हो तो पार्ट 2 कमेंट करो, और अगर आपके पास कोई और चैलेंज है तो वो भी कमेंट करो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।